इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहरसा जिले के बैजनाथपुर में लगभग एक साल पूर्व पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें पंचायत वासी बदलाव कर नए प्रतिनिधि का चुनाव किए थे, मगर सरकार के निर्देश ने बैजनाथपुर पंचायत वासियों के उम्मीद पर पानी फेर दिया और बैजनाथपुर को नगर निगम घोषित कर दिया। नगर निगम घोषित होने के बाद पहली बार बैजनाथपुर के मतदाता नगर निगम चुनाव के तहत सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगकर अपनी बाड़ी का इंतजार में खड़े हो गए। आपको बता दूं कि इससे पहले बैजनाथपुर एक पंचायत के रूप में था, जिसे नगर निगम के तहत 2 वार्डों में बांट दिया, जो वार्ड नंबर 22 और 23 बना, जिसमें वार्ड नंबर 22 को वार्ड पार्षद के लिए हरिजन सीट और वार्ड नंबर 23 को सामान्य महिला सीट घोषित किया गया। दोनों वार्ड में 4-4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज लोग सुबह 7 बजे से ही बड़े उत्साह के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। नगर निगम चुनाव में मतदाता एक मेयर, एक उप मेयर और अपने अपने वार्ड पार्षद को मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर अब तक महिलाओं की संख्या ज्यादा ही देखी जा रही है। बैजनाथपुर के कुल 8 मतदान केंद्रों पर बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी संजय दास अपने दल बल के साथ लगातार गश्त लगा रही है, जिससे मतदाता भययुक्त माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट डाल सके। नगर निगम चुनाव को लेकर बैजनाथपुर पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्र किशोर उर्फ चंदन मेहता ने बताया कि एक साल में ही बैजनाथपुर पंचायत को नगर निगम में विलीन कर दिया, जिसे बैजनाथपुर के जनता की उम्मीद पर पानी फेर दिया गया है, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जब बैजनाथपुर में एक साल पूर्व पंचायत का चुनाव हुआ था तो कार्यकाल पूरा किए बिना सामंतवादी के इशारे पर सरकार बैजनाथपुर को नगर निगम में विलीन कर दी। इसको लेकर मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि बैजनाथपुर की जनता को इंसाफ जरूर मिलेगा। सहरसा से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज पर। न्याय के द्वारा अभी तक जो न्यायालय के द्वारा अभी तक हम लोग को कोई जजमेंट नहीं मिला है। अच्छा, जैसे बैजनाथपुर पंचायत नगर निगम हुआ तो इनको लेकर आप लोग आवेदन दिए थे? हाँ, इसके लिए हम लोग आवेदन लिए, एक यहाँ आम सभा किया गया। आम सभा में जो सारा पंचायत की जनता ने निर्णय लिया कि जो हम लोगों को नगर निगम में नहीं जाना चाहिए, हम लोगों का विकास नगर निगम में नहीं होगा, हम लोग पंचायत में ही रहें। तो इसके लेकर के जनता की डिमांड को देखते हुए हमने जाके पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया और अभी तक उन न्यायालय में केस पड़ा हुआ है। गर्मी छुट्टी होने के कारण जो है 17/7 को समय दिया गया है, देखिए उसमें अब क्या होता है। न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है हमको, जो पंचायत की जनता का पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर, जो आने वाले समय में वर्तमान में हम लोग मुखिया यथास्थिति रहेंगे। नहीं, हाईकोर्ट पर आपको भरोसा है कि फिर बैजनाथपुर को पंचायत का ही दर्जा दिया जाएगा? हमको पूर्ण विश्वास है, न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, जो वो हम लोगों के पक्ष में, यहाँ की मतलब 6 पंचायत की जनता के पक्ष में जरूर निर्णय, अच्छा निर्णय हम लोगों को मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। 17/7 के बाद मिलेगा, यहाँ की जनता में एक बार खुशी की लहर उठेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।